हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज है 25 दिसंबर, तो सभी को मेरी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। और आज हम अपने गार्डन का छोटा सा व्यू आपको दिखाना चाहते हैं। होप आप सभी को अच्छा लगेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं मनी प्लांट से। ये है मेरा मनी प्लांट, ये देखिए। इसमें मैंने वो किस तरीके से लगाई है, छोटा सा एक डंडा है, उसमें एक रस्सी से क्या है वो आपको मैं अपनी वीडियो में दिखाऊंगी, अभी बनाऊंगी तब। तो ये देखिए, ये देखिए, ये है मेरा कोलियस का प्लांट। और ये देखिए, ये मॉन्स रोज है और ये सूख गई हैं बिल्कुल ही। मैं इन्हें निकालूँ इन्हें इन पोट से, छोटे छोटे पोट है, कोई काम के भी नहीं है मेरे। ये अपने आप जब बारिश का सीज़न स्टार्ट होगा, अपने आप से ग्रीन अपने आप फ्लावर देना स्टार्ट हो जाएंगे। ये स्नैक प्लांट है, ये देखिए, छोटे छोटे पोट्स में देखो कैसे ग्रो किए हुए हैं। आप बिगनर हैं तो आप ऐसे ही स्टार्टिंग कर सकते हैं। ये छोटे छोटे मटके सभी के घर पर होते हैं, इनसे स्टार्ट कर सकते हैं आप। ये देखिए, ये बड़े मटके को मैंने कट करके तोड़ के देखो ये गुलाब लगा दिया है और इसमें पर्पलाट भी लगा दिया साथ साथ। सिंगोनियम का देखिए किस तरीके से फैला हुआ है, और इसकी जड़ें देखिए किस तरीके से मैंने ये कट कर दिया था नीचे की तरफ से। आप कोई भी शेप दे सकते हैं अपने प्लांट को। ये देखो ऊपर की तरफ किस तरीके से, ये मेरा क्रोटोन का प्लांट है, ये मैं नर्सरी से लेके आई थी, मैंने आप सभी को दिखाया भी था। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये देखो मनी प्लांट किस तरीके से ग्रो कर रहा है मेरा। मेरे गार्डन में मनी प्लांट की बहुत सी वे पाएंगी वैरायटी। और ये देखिए कोलियस की मैंने, और ये देखिए ये मेरे बंदर आ गए थे यहाँ पर, उन्होंने नीचे डाल गिर दिया था और ये टूट गई। देखो इसमें एक प्लांट है, मेरे बच्चे लेके आए थे कटिंग, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का प्लांट है, आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये भी अच्छे से ग्रो कर रही है ये कटिंग, ये देखिए। ये रेड प्लांट देखिए छोटे से पोट के अंदर, और ये देखिए मेरे छोटे छोटे पोट देखो कैसे हैंग किए हैं, मैंने जुगाड़ कबाड़ से ही जुगाड़ किया है सारा। आप भी ऐसे छोटे छोटे कबाड़ जो आपके किचन में वेस्ट निकलता है उससे आप कर सकते हैं। ये देखिए कैसे हैंग की हुई है बोतल में मैंने मॉन्स रोज़। ये है हमारी तुलसी, तुलसी मैंने कॉर्नर में रख दी है, सर्दियां हैं इसलिए तुलसी ख़राब नहीं होती। और सर्दियों में आप चुन्नी डाल दो, धुंध वगैरह पड़ती है ना, तब अपनी तुलसी माता पर चुन्नी डाल दो और दोपहर में उस चुन्नी को निकाल दो तो आपकी तुलसी ख़राब नहीं होगी। और अपने प्लांटों को सर्दियों में खुदाई टाइम टाइम से किया करनी चाहिए, और पानी बिल्कुल कम मात्रा में, जब आपकी प्लांट की मिट्टी सूख जाए 2 से 3 इंच तभी पानी दे अपने प्लांट को, उससे पहले ना दे। देखिए ये देखिए, ये देखिए गीली मिट्टी है तो मैं इसको पानी बिल्कुल भी नहीं दे रही अब कुछ दिनों से। और ये देखिए इसमें मैंने वो जो दिवाली पर माला थी वो डाल दी थी, कुछ दिन पहले ही डाली थी 5-6 पहले, तो ये सीड्स डाले थे। और ये देखो किस तरीके से गेंदे के निकल आए हैं फूल। और ये देखिए मैंने ये दूसरे उसमें लगा दिया है मटके में छोटे से। और ये देखिए छोटे छोटे गिलास, ये देखिए इसमें भी मैंने लगाया है पर्पल हार्ट, और ये दो प्लांट लगाए हुए हैं। ये देखिए ये है कैन, और कैन से मैंने ये इसमें लगा दिया प्लांट, देखो कितना खूबसूरत लगता है। ये है मेरा क्रिसमस ट्री, ये मैंने इसकी वीडियो पहले भी डाली हुई है अपने चैनल पर, यदि आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। ये देखिए कितना बड़ा हो रखा है, ये 2 साल से ज़्यादा है। एक स्नैक प्लांट की ये वैरायटी है मेरे पास छोटे वाली, और एक ये मनी प्लांट देखिए। और ये देखिए किस तरीके से, अब ये इनका सीजन ऑफ हो चुका है तो हम इसे निकाल देंगे।
या निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, नहीं निकालना चाहो तो ये दोबारा से जब बारिश फरवरी के बाद ही अपने आप से ग्रीन होने लग जाएंगे। अब येलो पड़ चुके बिल्कुल, ये देखिए ये बाहर की तरफ कुछ प्लांट अभी देखिए अपना वो खो चुके हैं। अभी ओच का इनका सीज़न, अभी अगले सीज़न में ही आएंगे, तो हमने इनके सीड्स कलेक्ट करके रख लिए हैं, आप भी रख सकते हैं। ये देखिए अभी फ्लावरिंग चल रही है इसमें, ये रेनिंग ग्रास है देखो, अभी ग्रीन तो ये रहेंगे पर इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, बारिश होगी तभी फ्लावरिंग होगी इसमें। ये देखिए ये अजवाइन का प्लांट है, देखो कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है, और ये देखिए बिल्कुल ही हेल्दी प्लांट है और ये अपने आप से ही ग्रो कर रहा है। ये देखिए ये है मेरी अपराजिता की बेल, ये देखिए मैंने सीड से ग्रो की थी, आपको बताया भी था, ये मैंने एक अजवाइन के प्लांट की कटिंग लगाई थी, ये भी अच्छे से ग्रो कर रही है। ये मॉन्स रोज़ है और ये देखो इस पॉट में ही मैंने इसे छोड़ दिया है। ये नीचे की तरफ ये देखिए अजवाइन की कटिंग, ये है गुडहेल का प्लांट, ये है रोज प्लांट और ये देखिए जेड प्लांट। तो ये मेरे घर के बाहर है मेरे प्लांट, ये देखिए देखिए घर के बाहर है मेरे। यदि आपको मेरा गार्डन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और यदि मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।